इस बात को ध्यान रखिए कि जिंदगी से आपको क्या चाहिए, आप जीवन में क्या चीज प्राप्त करना चाहते हैं। आदमी को लगता साधारण सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। विचित्र बात है कि आपको पूरा स्पष्ट है कि जिंदगी में क्या नहीं चाहिए। सबको पूरी तरह से स्पष्ट है, क्लियर है कि जिंदगी में यह नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? गरीबी नहीं चाहिए, रोग नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, पीड़ा नहीं चाहिए, यह सब पता है और उसमें आप पूरी तरह स्पष्ट हैं। लेकिन क्या नहीं चाहिए उस पर तो स्पष्ट है, और क्या चाहिए उसमें मस्तिष्क स्पष्ट नहीं है। और जब आपका ध्यान केवल क्या चाहिए पर होगा, तब आपका मन जब उसमें जुड़ जाएगा तो वो चमत्कार करना शुरू करेगा। जब आप केवल ये कहते हैं स्वास्थ्य ही चाहिए, स्वस्थ रहना ही चाहिए, केवल मात्र पहला लक्ष्य मेरा है स्वस्थ रहना, स्वस्थ 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 स्वस्थ, तो ये ध्यान में आया तो वही खाओगे जो स्वास्थ्य देगा, वही करोगे जिससे स्वास्थ्य बने, वैसे ही सोओगे, जागोगे, उठोगे, बैठोगे, व्यवहार करोगे जिससे आपकी सेहत बने। क्योंकि लक्ष्य हो गया स्वास्थ्य, आरोग्य, निरोगता, बीमार ना हो जाऊं, हार ना जाऊं, गरीब ना हो जाऊं। ये जो आप दिमाग में घुमाते हैं तो गरीबी पर ध्यान ज़्यादा जाता है, और डर में जब जीते हैं आउट ना हो जाऊं, जब ये ध्यान में रहता है तो आदमी आउट होगा खेल खेलते हुए, और जब ध्यान में रहता जीतना ही है तो फिर जीत के लिए खेलता है। तो जिंदगी में क्या चाहिए उस पर मन को केंद्रित करना सीख जाए, ये मन आपके लिए चमत्कारी बनेगा। और मन में जिस समय कुछ भाव तरंगे आती हैं, ध्यान रख लीजिए कि मन में दो चीजें बड़ी अद्भुत हैं, एक विचारों का प्रवाह और एक भाव तरंगे। विचारों से भाव और भाव से विचार, जैसे भावनाएं बन जाती हैं फिर वैसे एक्शन होने शुरू होते हैं। तो मन को सबसे पहले क्या करना, सुमन बनाना है। दूसरे नंबर पर क्या करना है, मन को अमन बनाना है। मन है ही नहीं, मन खो जाए, और जैसे आप मन को अमन वाली स्थिति में, अमन का एक मतलब शांति भी होता है, अमन चैन, लेकिन यहां हिंदी वाला उर्दू वाला अमन नहीं है, अमन नो माइंड मन नहीं है, मन खो जाए, विचार खो जाए, बस वहीं से शांति शुरू होती है। मन किसी चीज में डूब जाए वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। बच्चों को जब कहते हैं ध्यान लगाकर काम करना, सावधानी से सतर्क होकर पूरी तरह डूब कर काम करना, तो उसका मतलब ये होता है कि मन की एकाग्रता पर ध्यान देना, और वहाँ से आपकी ज़िंदगी में कुछ खास चीज़ें खड़ी होती हैं। जिसने मन लगाकर पढ़ा तो वो पढ़ाई में आगे जाएगा, बेमन से कोई काम किया तो काम अच्छा नहीं होगा, बेमन से खाना बनाया तो स्वाद नहीं बनेगा, लेकिन जैसे भोजन को मन लगा करके बनाया गया तो उस भोजन में स्वाद पूरा आएगा, भले ही मसाले रोज वही आप डालते हैं। तो मन जहाँ टिक गया चमत्कार कर देगा। जब भावनाओं में आता है व्यक्ति तो फिर क्या जीवन में घटता है, कब कोई एक व्यक्ति तुलसीदास की तरह से जीवन में पूरी तरह परिवर्तित होता है, कब कोई व्यक्ति वाल्मीकि की तरह से जीवन में इतना परिवर्तित हो जाता है, कब ये घटनाएं घटती हैं। जब व्यक्ति का मन उस भाव तरंग में आ जाए, उद्वेलित हो जाए, मन का कांटा इस तरह से बदल जाए जैसे तराजू का कांटा जिधर झुक जाए पलड़ा, मन का पलड़ा। इसलिए जो जापान में और तिब्बत में एक चीज चलती है अभी भी, जो वहाँ के गुरु लोग रहे हैं उनका ये कहना है कि एक तराजू है, एक पलड़ा इस फेफड़े की तरफ है, एक इस तरफ है, और उसका जो तराजू का कांटा है वो आपके आज्ञा चक्र में है। दोनों आंखों के साथ इसकी डंडी लगी हुई है,
अब ये डंडी यहाँ है इस तराजू की, पलड़े दोनों साइड में है, दोनों कंधों को समझ लीजिए दोनों पलड़े हैं, और तराजू की डंडी आँखों में यहाँ है, और ये जो आज्ञा चक्र वाला भाग है यहाँ उस तराजू का कांटा है, बीच वाली सुई, कि बस ये जो सुई यहाँ है ये मन की सुई को यहाँ अगर आप संतुलित रखते हैं तो आप सफल हैं।